2011-12 में बसपा की सरकार में स्वकर प्रणाली गाजीपुर में प्रस्तुत लगा दी गई थी। वो इस तरह से लगाई गई थी कि जनता को सही ढंग से पता ही नहीं चला कि स्वकर है क्या। लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, वो टैक्स जमा नहीं करना चाहते थे। आज ऐतिहासिक क्षण में बोर्ड के सम्मुख ये फैसला लिया गया कि हमने जो आवासीय भवन थे उनमें 50% स्वकर दरों में कटौती कर दी, जो कि 1000 लगता था अब वो 500 लगेगा। साथ ही जो वाणिज्य भवन थे उनमें 12 गुना लगता था जिनका टैक्स, अब वो घटकर 6 गुना हो जाएगा। जिसका 12000 टैक्स था अब वो घटकर 3000 हो जाएगा। ये हमारी नगर पालिका ने आज बीते वर्ष 2021 में आने वाले 22 के लिए जनता को उपहार दिया है। जो अभी तक स्वकर प्रभावी था उसमें बोर्ड द्वारा प्रस्ताव रख करके जो आवासी थे उनमें 50% की कमी करने का प्रस्ताव किया गया है, और जो उसका 12 गुना व्यावसायिक पर कर लगता था उसको 6 गुना प्रस्तावित किया गया है। अब उसी का रूप आगे उपविध को संशोधित करने पर कार्रवाई की जाएगी। ये कब तक जारी हो जाएगा आम जनता को जमा करने? ये एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जो कि उसका समाचार पत्र में प्रकाशन, फिर गजट कराने का कार्य, ये सब कार्रवाई यथाशीघ्र किया जाएगा। पिछले दिनों 2011-12 में जब बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो गाजीपुर में स्वकर की प्रणाली लागू हुई थी, लेकिन उसके रेट इतने अधिक थे कि गाजीपुर की जनता में उसके प्रति नाराजगी और गुस्सा था। हम लोगों ने बोर्ड में प्रस्ताव पास करके सन 2013 में ही सरकार से डिमांड की थी कि 50% रेट कम किया जाए। आज गाजीपुर के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि गाजीपुर के इतिहास में जनता की इच्छाओं के अनुरूप नगर पालिका की आज की बोर्ड ने सर्वसम्मत से 50% कम करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। पहले स्वकर का रेट 90 पैसा प्रति स्क्वायर फीट लगता था यदि किसी सड़क पर, तो उस 90 पैसे को अब 45 पैसा कर दिया गया है। 45 पैसा से जो उसका रेट का कैलकुलेशन होता है उसमें जो पुराने मकान हैं, जो मकान 30 साल पुराने हैं उस पर 40% की छूट भी है, वो जो पहले से है वो लागू रहेगी। इसके अलावा जो वाणिज्यिक भवन थे, जो गैर आवासीय भवन थे, उस पर जो टैक्स का रेट था पहले 12 गुना ज़्यादा था, उसको आज हम लोगों ने घटाकर 6 गुना कर दिया है। इससे आम जनता को ये लाभ होने वाला है कि जो आवासीय दर किसी का 1000 रुपया सालाना था वो घट के 500 रुपया हो गया, और जो 1000 का 12 गुना 12000 रुपया वाणिज्यिक लगता था वो घट के अब 500 के हिसाब से 6 गुना, मतलब 3000। जो वाणिज्यिक पहले 12000 लगता था अब उस वाणिज्यिक के बजाय 3000 वाणिज्यिक होगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ। धन्यवाद।